देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत न्यूज़ रूम तो मैं रचना। तो किसानी संघर्ष का अज 18वां दिन, इस मुद्दे को लेकर किसान आर पार की लड़ाई वास्ते बिल्कुल तैयार। तो कल यानी कि 14 दिसंबर को किसानों वालों इसे मुद्दे को लेकर देशव्यापी भुख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। उधर दूजे पासे पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा वालों एक प्रेस वार्ता की गई, तो उन्होंने कहना सी कि जेड़े सूबे इन कानूनों के विरोध में ने उत्थे रेफरेंडम करवा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जेकर लोग केंद्र सरकार नू वोट पाते हैं तो इन कानूनों लागू कर देना चाहिए, पर जेकर लोग इन कानूनों के विरुद्ध ने तो उत्थे इन कानूनों रद्द कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हाँ कि जी स्टेट इस कानून लागू करन दे नू अपोज कर रही है, वो स्टेट्स अपनी ऑप्शन दे दें, उस स्टेट विच भी करा लो और रेफरेंडम पता लग जूगा। ना करवा नहीं, देखो गल ये कि जिहड़ियां पहले देखो जिहड़ी स्टेट्स एजिटेट कर रही, मैं उन्हां वास्ते कह रहा वा, बहुत सारिया स्टेट्स बीजेपी के गवर्नड है, वो तो बोल ही नहीं रहे, या तो लोग बोलन आ उ लोग भी नहीं बोल रहे। हाँ तो कोई गल नहीं की जिथे जिथे लोगों की आवाज उठी हुई है, दिस रेफरेंडम शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑल द स्टेट्स वेर एवर देर इज अ डिमांड। हाँ जी मैं चल नहीं रहा, मैं क्या जे आंध्र का उदाहरण दिता कि जे कल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कामयाब हो जाओ, अभी आप मंग लेंगे उन्होंने। चौपाल इत्थे बॉर्डर ते ला के देख लैन, पहली चौपाल पंजाब दे बॉर्डर ते दिल्ली दे ला लैन, पता लग जूगा उन्होंने कित्थे आ की हाल। ये जिहड़ा चौपाल वगैरह दिस इज एक्चुअली बीजेपी इज ट्राइंग टू प्ले अ फास, क्योंकि जिथे जिथे इन्हां दी सरकारां उदां दी मैनिपुलेटेड चौपाल करके कह देंगे पता हो गया जी पास गल ही कोई नहीं कि सारा देश नाल ही हैगा। किदां होगा तो वोटां पैणियां जी जिद्दां देश दी सरकार बनाई है, नहीं कोई गल इन्हां दा सानूं भरोसा हैगा। पहलां पता की गल है तुसीं ना हले आपां वी जस्ट जंपिंग द गन, पहलां एक वारी उन्हां नूं रेफरेंडम स्वीकार कर लैंदे, उह बैलेट ते करा लांगे। नहीं देखो इशू पता की हैगा वा, जिहड़ा टेबल टॉक हैगी है ये अज दी डेट विच मैं उस गल दा मुद्दई हाँ कि गलबात नाल ही मसला हल होना, और गलबात दे 6 राउंड्स होए ने जिहड़े तुसीं आप भी देखते रहे हो कि कई बार पहली बार तो उदां ही किसानां नूं उन्होंने उत्थों दरकिनार करके भेजता, को अफसर जे रख दिते सामने, देयर आफ्टर जिद्दां जिद्दां प्रेशर बिल्ड होया उदां उदां सीरियस डायलॉग होया वा। पर हुण मसला यह आ कि सरकार कहिंदी तुसीं इस जे लॉज ने इन्हों अमेंड कर दें, थोड़ी जी मेन है किसान जथेबंदियां कहें कि नहीं जी असं तो तिने चाहते कानून ये जे रिजेक्ट किए जाए, सो देर फॉर वेयर इज द अदर वे आउट, द वे आउट इज़ वेरी सिंपल दैट आई सजेस्टिड इज अ वे आउट इज जस्ट टेक अ वोट। जे पंजाब के लोग वैसे भी तो तुम इस गल सहमत है ना कि जमहूरीत का मुढ़ला असूल हैगा कि जिधर बहु गिनती लोग हो, सो जे पंजाब के लोग बहु गिनती बीजेपी के नाल तो असी अपनी गल वापस ले लेंगे, तो जे पंजाब के लोग बहुत गिनती किसान यूनियन के हक में वोटा पाउंदियां तो मोदी साहब उस कानून पंजाब दे विच तिना कानूनों ना लागू करन, इहदे च ना तो कोई झगड़ा वा। देखो हुण मैनूं पता वा कि बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सिस इकट्ठियां कर रही सरकार, तो जे उत्थे उन्होंने कोई कीता फोर्सिबल एविक्शन इट विल ओनली लीड टू वास्ट किलिंग्स, यू नो इट विल ओनली बिकॉज मैं दिल्ली धरने 3 वारी जाके देखा है, उत्थे मूड बहुत एग्रेशन वाला वा, अगर उत्थे कोई धक्का करने की कोशिश की, कल पंजाब के लोग नहीं बैठे उत्थे, उत्थे हरियाणे के लोग बहुत बैकअप कर रहे हैं, उत्थे औरतां बैठिया ने, उत्थे बिरध औरतां बैठिया ने, सो देयरफॉर इट विल बी लाइक कमिटिंग अ मैसिव ब्लंडर इफ दे डू एनीथिंग रोंग। तो उहदे नाल चंगा तो सिर्फ है रेफरेंडम करा लैन। हाँ मैं अज तक एक रिटन स्टेटमेंट, हाँ इट्स अ गुड आइडिया, असं इस एक रिप्रजेंटेशन की शक्ल के भी भेजेंगे, अज मैं आई हैव रिलीज्ड इट, आई हैव रेज्ड द डिमांड, आई ब्रॉट इट टू पब्लिक डोमेन, आई होप ऑल अदर पोलिटिकल पार्टीज एंड ऑलसो जी किसान यूनियन के लीडर्स है दे कैन आस्क फॉर दिस। जे हुण अगली वार्ता तो पहला कह दें कि जी ऐ करो तुसीं पंजाब दा रेफरेंडम करा लो, गल मुक जाती है, वह की जवाब देंगे बीजेपी वाले उत्थे कि नहीं करवाना, असी नहीं करवाना, दैट मीनस वो
ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਆਊਟ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲੇਟ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡਨ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਂਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਦੇ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਲਿਜਾ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਏਜੰਟ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆਦਮੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਘਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਸੋ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਔਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਦਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਆਈਵ ਡਨ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, MPs, MLAs ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ BJP, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਠੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਿਹਾੜ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। All World Open Challenge 17-time Gold Medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, Inna Chora Thagga To Saavdan, Specialist Vashikaran, Satta Number, Love Marriage, Pati Patni Ch Anban, Videsh Ch Pakka Hona, Karobar Da Na Chalana, Sirf 31 Kentia Vich Samadhan, Free, Mia Rafiq Mohammed, Mobile 84374 94647, 84374 94648.